शिवम तुम चिंता मत करना, तुम्हारी बहन की शादी धूमधाम से होगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये वादा खरगोन दंगे में घायल हुए शिवम से किया था। शुक्रवार को वह दिन भी आ गया जब हंसी खुशी शिवम की बहन की डोली उठी। सीएम ने भी अपने वादे के अनुसार 2 लाख रुपए की सहायता राशि भिजवाई। सहायता राशि लेकर धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा और खरगोन जिला पंचायत सीईओ ज्योति शर्मा शादी में शामिल हुई। कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने बताया कि शिवम शुक्ला की बहन कृतिका शुक्ला की शादी अप्रैल में तय थी, लेकिन दंगे में शिवम घायल हो गया था, इसलिए शादी समय पर नहीं हो पाई थी। उस वक्त सीएम ने शिवम और उसके पूरे परिवार को आश्वासन दिया था कि चिंता ना करें, इनकी शादी धूमधाम से होगी। इसलिए सीएम की तरफ से कृतिका के पिता के लिए 2 लाख का चेक लेकर आए हैं। धार जिले की तरफ से और खरगोन जिले की तरफ से जिला पंचायत अध्यक्ष आई हैं। सीएम शिवराज और दोनों जिलों की ओर से कृतिका को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 16 साल का शिवम पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। वह अपने मामा के घर खरगोन में रहता था। रामनवमी के दिन वह सिद्धनाथ मंदिर गया था। जब वह गया था तब तक तो सब ठीक था, लेकिन वापस जब लौटा तो दंगा भड़का हुआ था। हर जगह सिर्फ दंगाई थी। इस दौरान वह साइकिल से लौट रहा था, तभी एक पत्थर उसके सिर में लग गया था, जिस वजह से वह घायल हो गया। 17 अप्रैल को घायल शिवम की बहन की शादी होनी थी। महीनों तक शिवम जीवन मौत के बीच झूलता रहा। वह महीनों भर इंदौर के अस्पताल में भर्ती रहा। शिवम की हालत भी बेहद गंभीर थी, लेकिन भाई के घायल होने की वजह से बहन कृतिका ने शादी करने से मना कर दिया था। इस बारे में गुजरात के रहने वाले दूल्हे पक्ष को भी शादी की तिथि आगे बढ़ाने का अनुरोध किया गया था। शिवम के घायल होने की बात जानकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि शिवम का पूरे इलाज का खर्च शासन उठाएगा। महीने भर बाद वह घर आया तो मुख्यमंत्री चौहान ने वीडियो कॉल भी किया। कई बार उन्होंने शिवम से चर्चा भी की। इस दौरान शिवम को मुख्यमंत्री ने बहन की शादी के दौरान सहयोग करने का भरोसा जताया था, जिसे शुक्रवार को सीएम ने पूरा कर दिखाया। खरगोन में 10 अप्रैल को रामनवमी के दिन दंगा भड़का था। तालाब चौक, काजीपुरा, आनंद नगर समेत तमाम इलाकों में हिंसा भड़की और रामनवमी जुलूस पर पथराव किया गया था। जमकर तोड़फोड़ भी हुई। आगजनी में कई घर दुकानें तबाह हो गई। 20 दिन से ज्यादा कर्फ्यू लगा और हिंदू मुस्लिम घरों के बीच दीवार खड़ी कर दी गई ताकि दोनों एक दूसरे के इलाकों में ना जा सकें। दंगे में उपद्रवियों ने निजी और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया था। नुकसान की भरपाई के लिए मध्य प्रदेश प्रिवेंशन एंड रिकवरी ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के तहत एक ट्रिब्यूनल का गठन किया गया था। दंगा पीड़ित एक महिला सुनीता गांगड़े ने अगस्त महीने में यहां शिकायत दर्ज कराई थी। इस पर 12 साल के लड़के सहित 7 अन्य को नोटिस जारी किया गया। जुर्माने की वसूली नाबालिग के माता पिता से की जाएगी।